drop it. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going. सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो अभी मैं आ गया हूँ गाइस मैरीन ड्राइव, जो कि डाल्टनगंज का एक फेमस प्लेस अभी बना है। तो आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ कि डाल्टनगंज में जो कोयल नदी है उसी किनारे बना है एक मैरीन ड्राइव। तो चलिए आपको उसका पूरा व्यू घुमाते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, जो आपको सामने पुल दिख रहा है उसको बोलते हैं चैनपुर पुल। कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ पे बना हुआ जो कि मैरीन ड्राइव में। और सामने जो नीचे बह रही है कोयल नदी, आप देख सकते हैं मस्त लाइटिंग के साथ यहाँ पे, और इसके चारों तरफ का व्यू भी आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का बना हुआ है। अगर इसके नीचे की बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू आपको देखने को मिलेगा, तभी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ भी बनी है तो अभी जल्दी में बना है। और ये जो नदी है काफ़ी पुरानी नदी है, जिसको कोयल नदी के नाम से जाना जाता है। उसका लाइटिंग सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, अभी लग रहा है गाइस, देख सकते हैं रेड वाइट ग्रीन्स तीनों सिस्टम के साथ। और इधर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और इसका व्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ सामने। तो रात के समय काफ़ी लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सोचा कि मैरीन ड्राइव का व्यू रात को ही अच्छा लगता है, इस कारण से मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग रात में मैं शूट करूं। तो गाइज अभी 7:30 बज रहे हैं, तो रात का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि रात में ही जो लाइटिंग होती है वो काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पे शो करता है, क्योंकि दिन में तो इस लाइटिंग आपको दिखेगी नहीं, तो आपको वीडियो अच्छी भी नहीं लगेगी। आप देख सकते हो इसके पीछे काफ़ी लोग अभी शाम के समय बैठे आपको मिलेंगे, क्योंकि डाल्टनगंज में कोयल नदी जो है वो लास्ट कॉर्नर होता है डाल्टनगंज का। इसके बाद जो है वो चैनपुर पुल आपको देखने को मिला होगा। तो ये पुल जाती है सीधे गढ़वा के लिए, और इसके चारों तरफ का व्यू भी आप देख सकते हैं। इधर है गांधी मैदान जस्ट पीछे, और इधर देख सकते हैं दुर्गा बाड़ी है। कुछ इस टाइप का व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा ये बना हुआ है, इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इसके पीछे आपको कोयल नदी देखने को मिला, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर आके। शाम के समय यहाँ पे काफ़ी लोग इंजॉय करते हैं और अपना समय बिताते हैं गाइस। तो आई होप यही थी जो मैरीन ड्राइव है, कुछ नहीं है, यही है नदी किनारे एक बना हुआ, जिसमें काफ़ी लोग शाम के समय यहाँ इंजॉय करते हैं और समय को बिता सकते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस, अगर आप डाल्टनगंज के हो या डाल्टनगंज के बाहर के हो तो आप यहाँ आकर के इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस मैं अभी जैसे कि रात के समय यहाँ पर आया, तो काफ़ी अच्छा लाइटिंग सिस्टम था जो कि आपको दिखाने के लिए था। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ब्लॉग अच्छी लगी, जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया, ताकि घर बैठे और भी नए नए ब्लॉग आप देख सके। तो गाइस आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय। And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams.